बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला की फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जिसने हमसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बजे का, ये देख सकते हैं 9 बज गए हैं और मैं इस टाइम व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिसने हमसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे। मैं देख रहा था कि इस डब्बे में है क्या। ये डब्बा वैसे तो दराज वालों का है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, मैं अगर मैं अपने घर का एड्रेस नहीं दिखाऊँगा, ठीक है, और अपना नंबर नहीं दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें दराज का ट्राईपोर्ट मैंने मंगवाया था, ठीक है, रमज़ान का अभी तक डब्बा था, मैंने इसमें चीज़ डाली थी, पुरानी चीज़ें हैं। मैंने कहा चले देखते हैं खोल के क्या है और आपको भी दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हाथ निकलाई अपनी रस्सी। मैं ऐसी चीज़ें इकट्ठी करने में माहिर हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं जी तुम घर लोगों का फेंका हुआ गंद घर में लाते हो। ये जी लाहौर की मेरी तस्वीर है, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये देखें, प्यारा लग रहा हूँ कि नहीं, हैंडसम बॉय। और ये मैंने खुद फ्रेम बनाया था जी, चेक कर लें। किसी को चाहिए तो कमेंट में बता दें ताकि आपको फ्री में दे दूँ, नो पैड। और ये मेरा छोटा सा ट्राईपोर्ड है जो सबसे पहले मैंने लिया था जी। ये ऊपर से टूट चुका है फिर भी इसे मैं वैसे ही रखा हुआ है। अच्छा, ये एक ऐनक निकल आई जी, वेल्डिंग का काम भी करता रहा मैं पहले। और ये है जी बेकिंग पेपर नॉनस्टिक। और मैं आपको पता है पिज्जे वगैरह बनाता रहा हूँ, कुक वगैरह हूँ। और आ गया जी ये सेल्फी स्टिक, ये भी ख़राब ही है तो इसलिए तो यहाँ पर ही है। उसके बाद आती है जी बारी, ये है जी वॉच, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था जी सालगिरह पे, खराब ही पड़ी है। ये मैंने एक लाइट मंगवाई थी जी दराज से, बेकार, बुला भला तो नहीं कहूँगा दराज वालों का, मगर यही कहूँगा कि चीज़ देनी होती है अच्छी दिया करें। और मेरा चश्मा जो मैंने 200 रुपये का लिया था। और ये देख सकते हो आप, मेरी ये भी वॉच है, ये है ना, ये पता नहीं क्या है, USB वगैरह, ये USB रीडर कार्ड वगैरह, ये इस तरह गंद बुला है, ये MP3 जो सरी पड़ी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अपनी पुरानी चीज़ें, तो अब मैं जो ये इस कैबिन में चीज़ें हैं ये भी आपको दिखाता हूँ। अभी कैबिन खोल गए, इसमें तो काफ़ी गंद है, बेफिक्र हो के आप मेरी वीडियो देखिएगा। खोलते हैं इस कैबिन को और आपको दिखाते हैं जी इसमें है क्या है। तो ये खोल लिए, पहले आ निकलता है जी नमोट, ये जी सीमेंट की मैंने बनाई हुई है डमिंग करने के लिए। अच्छा, ये देखने गंद वाला ऐनक, वेल्डिंग जो मैं आपको तय मेरा कारोबार है वेल्डिंग का, कारपेट के पीस रख लिए। ये चेक करें, ये मेरी ऐनक है नज़र की जो मैं लगाता नहीं, और मेरा आज का सर इसलिए दर्द हो रहा है इसलिए लोग लेट आते हैं। और ये देख रहे हैं जी गंद बिला, ये चीज़ों में मैं बहुत माहिर था। घर वाले कहते हैं जी बाहर का गंद सारा अपने घर में। ये चेक करो, ये खुडे बनाने लिए उल्टे काम ही, अभी काम छोड़ती हुई है। ये देखें जी एच, ये वायर वगैरह, अगर किसी को कोई वायर वगैरह चाहिए तो आते हैं। ये बीज भी हैं मेरे पास पर, ये मिर्चों के बीज भी पड़े हैं इसमें, आप देख लें नज़र चुरा लें। स्क्रीन वगैरह, और आप ये देखें जी गंद कितना है, बस गंद को देखें, बाकी को छोड़ें, बाकी नहीं मैं आपको दिखा सकता कि गंद इतना, मैं क्या करूँ। ये देखें जी अब मेरी चीज़ें नीचे गिरी जा रही हैं, जो गंद है मेरा इधर गया, ये रहा जी, अब जो गंद है वो नीचे गिरी जा रहा था और मैंने क्या करना है। अच्छा, ये कैबिन आपको दिखा दिया, बगले की तरफ जो रवाना होते हैं इसको बंद करते हैं और अगले में खोलते हैं जी। ये तो इसमें तो ज़्यादातर घर वालों की चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये लेना था जरा लें, घर वालों की ज़्यादा चीज़ें हैं बस। मेरा इसमें हवा भरने वाला पंप है और टेप है और ये एक, और ऊपर के जाना चाहते हैं। ये जी मेरे वालिद साहब की किताबें हैं, वो पहले इमाम साहब थे ना, तो ये उनकी इस्लामी खतबात किताबें वगैरह हैं। ये सही नमाज नबी, ये देखें जी। अच्छा, अगर इनमें से किसी को कोई किताब चाहिए तो मुझे ही अच्छी सी चीज़ मिल गई है, बाजा, जो परसों 14 अगस्त जो बजाया ही नहीं मैंने, मुहर्रमों का इहतराम किया। फिर से सर दर्द होना शुरू हो गया है। आपको मैंने ऐनक दिखाई है अपनी, वो मैं लगाता नहीं हूँ, मुझे उलझन सी होती है, उसकी वजह से सर दर्द होने लग गया फिर से।